फोटो खींच दो डीएसएलआर से। क्या अरे बताना तू नाम क्या। मेरा नाम है बाबर आजम। बाबर आजम मेरा नाम है। बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा फैन है। हाँ जी बहुत बड़ा। देखा तूने मुझे? मैंने हर जगह आप भाई साहब ये बरादरी बरादरी बंद करो। बंदर है मैं इंसान हूँ। अच्छा यार क्या फोटो खींचनी। हाँ आजा 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 चलो जा जानो सही। वेलकम गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आपको स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि हम बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पाए। उसका चक्कर यही था कि रमज़ान भी आया था और आसिफ भाई भी थोड़े घर में बिजी थे, मैं भी थोड़ा सा था। तो आज हम जा रहे हैं अनंतनाग। तो आज हम अनंतनाग में देखेंगे कौन सी ऐसी जगह है जो आपको हम दिखाएंगे। तो अभी चल रहे हैं, तो आसिफ भाई ये रहे, इनको बहुत गर्मी हो रही है तो ये कपड़े निकाल रहे हैं। तो फिर हम चलेंगे अनंतनाग। तो चलिए चलते हैं अनंतनाग, मिलते हैं। गाइस पहुंच गए अनंतनाग। अब यहाँ से लेंगे हम दूसरी गाड़ी और जाएंगे हम करनाग अभी। और ये हमारे साथ गाइस भी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, तो चेकआउट चल रहे हैं। भाई को हम पूछेंगे कि हम पहले कहाँ जाएंगे और किस जगह पे जाएंगे, किस लोकेशन पे जाने वाले हैं। पहले पूछते हैं आसिफ भाई से, फिर चलते हैं। आसिफ भाई कहाँ हम जाने वाले हैं? पहले करनाग ही, फिर उसके बाद जाएंगे करनाग। वहाँ से गाड़ी लेंगे दूसरी, जिन्होंने बताया ना वहाँ से गाड़ी, वहाँ से मिल जाएगी हमें गाड़ी। तो पहले हमें कुकरनाग जाना है, कुकरनाग के बाद हम जाएंगे करनाग। तो गाइस गाड़ी से उतर चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं कुकरनाग। चेक आउट, हम कुकरनाग में हैं। ये उसकी एंट्रेंस है, वहां से ही जाते हैं। वही यार एंट्रेंस, वही एंट्रेंस जाने वाले। एग्जाम थोड़ी देना है हमें, तो एंट्रेंस तो नहीं बोल सकते ना ब्रो, एंट्री बोलेंगे। एंट्रेंस में क्या ही बताओ। चलते हैं अंदर, मुझे लगता है बाकी हमारा रोजा है, खा कुछ नहीं सकते है ना। हाँ खाएगा तुम्हार। गाइस तो ये एंट्री है इसकी कुकरना की, ये पार्क है। तो भी देखते हैं हम एंट्री में कितना लेना पड़ेगा, टिकट लेंगे। तो भाई भाई कितना देना है? कैमरा बंद करो सर। क्यों? कैमरा लगवा तो मतलब हमें अपना कैमरा बंद करना है। हाँ, कैमरा बंद करो। गाइस अभी हमने कुकरनाग की पार्क में एंट्री कर ली है। तो आसिफ भाई क्या लग रहा है आपको? बस यार मजे ही मजे। मजे तो मजे हैं भाई, ज़्यादा बंदे भी नहीं है यहाँ पे, बहुत लोग कम हैं यहाँ पे। क्योंकि जब हम बचपन में आते थे ना, बहुत ज़्यादा मतलब सुकून में आते थे हम ना, तो फिर क्या होता था मतलब तब नहीं हम व्लॉगिंग करते, हम वीडियोज नहीं लेते। हमारे पास है सेटअप, हमारा खुद का है। तो जब हम बचपन में आते थे ना, तो मुझे याद है कि तब स्कूल के साथ आते थे तो फिर इन्जॉयमेंट क्या होती थी ना, तो एक जगह पे यहाँ पे एक नदी बह रही है, मतलब एक पानी का झरना, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। क्योंकि इतना मतलब वाटर फाइटिंग इतनी कर रखी है ना वहाँ पे, हम कोई लिमिट ही नहीं, हम पटक के डालते थे पानी में सबको, जो भी हमारे फ्रेंड लोग थे। बहुत बचपन की आदत ताज़ा हो गई यहाँ से घूमा करते ना। हम जब आते थे ना, वो वाली हट है ना वो ऊपर एक बैठा, वो वाली हट है ना, तो वहाँ पे हम जाते थे और वहाँ पे हम खाना खाते थे। तो इसकी एंट्री यहाँ पे एक है, तो यहाँ से हम जाएंगे के नीचे तक। पहले आगे जाएंगे या पहले यहीं से जाएंगे? पहले यहाँ से घूम के आते हैं फिर जाएंगे ऊपर। ऊपर इस साइड जाना है, उस साइड नहीं जाना, उस साइड जाना है, उस साइड ऊपर नहीं जा सकते, इस साइड जाना है ऊपर। मैं दिखाऊंगा तुझे। चले तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये चश्मा है, यहीं से पानी आ रहा है। ये मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से आ रहा है पानी, सारा दो तीन जगहों से निकल रहा है। ये देखो, एक तो यहाँ से निकल रहा है और एक तो वहाँ से आ रहा है और एक वहाँ से आ रहा है, तीन जगहों से इसको पानी आ रहा है। पीछे देख सकते हो, पीछे पहाड़ है पूरा, पहाड़ के नीचे से सारा पानी आ रहा है। कोई नदी नहीं बह रही है, चश्मा है, दो तीन जगहों से पानी निकल रहा है, वो मैंने आपको दिखाई दिया। तो अभी जो है यार, मैं तो पहाड़ से पानी आ रहा है, नहीं ये चश्मे से, मतलब ये स्प्रिंग है, ये हाँ तीन जगहों से निकलता है, एक वहाँ से, एक वहाँ से, एक यहाँ से। तुझे क्या लग रहा था? यार मैं सोच रहा था हमें पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, ऊपर कहीं होगा ये इसका, नहीं इसका पीछे पहाड़ में आया था ना बचपन में, मुझे याद है, मैं तभी तो डायरेक्ट यहीं पे आ गया। मैंने तुझे बताया था ना बचपन में आया हूँ मैं यहाँ पे। तो बट ये जो पार्क है, ये पार्क तब नहीं थी, तो ये रिसेंटली मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से नहीं आया हूँ। हम बचपन में आए हैं जब स्कूल के साथ आते थे, तब से मैं आया नहीं हूँ कभी। बचपन की यादें ताज़ा हो गई यहाँ पे, और तो कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा है जहाँ जिस टाइम पे हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे कपल्स भी आ रहे हैं क्या? मुझे नहीं लगता कपल्स की, तो आज मुझे लगता एंट्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज रमज़ान चल रहा है। तो बट मेरे सामने आज कपल्स भी दिख गए रमज़ान के महीने में, और हमारे साइड ही आ रहे हैं। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने, मैं वज़ू करूँगा, वज़ू करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगा और फिर
हम जाएंगे जो उस साइड की लोकेशन है, तो हम उस साइड जाएंगे। आसिफ भाई को वो लोकेशन बिल्कुल ही नहीं पता, तो इनको मैं वो बताऊंगा। तो चलिए जी चलते हैं नमाज़ पढ़ने, मिलते हैं आप। तो गाइस नमाज़ तो हमने पढ़ ली, तो अभी हम जाएंगे इस तरफ कि जो पहाड़ है इसको देखते हैं इसके पीछे क्या है। थोड़ा सा नज़दीक लग रहा है मुझे ये, तो चलिए देखते हैं इस पर इसके पीछे क्या, फिर हम जाएंगे उस साइड। तो आसिफ भाई चले, चलिए जी गाइस चलते हैं इस रास्ते से। बता मुझे नहीं पता आगे जाएगा कहाँ पर, क्या बोलता है तेरी मर्जी। क्या बोलते जाए? मैं डर रहा हूँ एक चीज से, सांप से। मैंने सांप का नाम सुना, मैं डर रहा हूँ तेरी कसम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या वहाँ तो जाते हैं, देखते क्या है वहाँ तो जाते नहीं। क्या है? फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट। हमें क्या, हमें क्या इसके साथ करना, हमें यहाँ तो जाते ना आगे तक, देखते क्या है। मेरी हालत खराब है बस, क्योंकि हमें लगने लगा है डर। हम जाएंगे उस साइड, साइड पब्लिक होगी, क्योंकि मैं इधर कभी आया नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मतलब पहाड़ पे करना तो ऐसे आए हैं। तो क्या चलिए ना चलते हैं, क्योंकि मेरे पीछे और एक है, तो मैं मेरे इसलिए फट रही है क्योंकि मैं जिंदगी में अकेला नहीं हुआ हूँ। अगर पहले जाता तो बात थी, बट अब मेरे साथ कोई और भी है। किसकी बातें हो रही है भाई साहब? फैमिली है ना, अब मैं ही ना, फैमिली के बगैर भी है भाई साहब को बताऊंगा बाद में। तो चलिए जी, चलिए असलवार से फोटो ले रहे हैं, चलो देखते हैं इनसे पूछते हैं कि हमारे लोग क्या। बैग उस पर ही था ना यार, तू मैंने तेरे को दो बार बोला बैग लाया, बैग लाया, पागल इंसान है, इसको बोला भी। अच्छा लोग क्या कर रहे हो तुम लोग, फोटो खींचो डी एस एल आर से क्या? हाय करो ना, मुझे क्या बताया, हाय करो। कहाँ से हो, कहाँ से? अनंतनाग से। क्या कर रहे हो तू, गंदी हरकत क्यों करा? हाँ। मेरी फोटो खींचोगे क्या? पक्का पक्का खींचोगे? आजा चारों तीनों आजा, आजा मेरे साथ, अरे बाद में छलांग करना, पहले तीसरा आजा। तो गाइस यहाँ पे फोटो लेने वाला है बंदा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अरे गाइस तो यहाँ पे हमें कहाँ से हो भाई? हम अनंतनाग से भाई, अनंतनाग से। हाँ मेरा नाम गाइस जाइद ग्रुप को सब्सक्राइब। अरे बताना तू नाम, मेरा नाम है बाबर आजम। गाइस बाबर आजम, मेरा नाम है शमी, शमी मेरा फैन है। हाँ जी कहाँ देखा तूने मुझे, मैंने हर जगह आप बच्चों को करते हैं भाई। चलो गाइस हाँ बाय, हमें वीडियो बनानी है, आगे मिलेंगे आपको। चलो भाई कल के ब्लॉग में देख लो खुद को, ठीक है? चलो बाय बाय बाय। तो बच्चा लोगों से बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा बच्चा है। आसिफ कैसा लगा सर? इतने मजाक क्यों किए इनके साथ, ये क्यों किया? मतलब यार मतलब मजा आता है यार, आपको तो भी मजा आएगा ना ये देख के। अभी हम जा रहे हैं उस तरफ, देखेंगे क्या देखने को मिलेगा। इस आ गए हम अपनी लोकेशन पे, तो ये देख लीजिए जो आपको हम दिखाना चाहते थे, यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल हट बने हैं, और ये पूरा वुडन के बने। हाँ भाई वुडन के पूरे बने, बट अभी गेट इसका बंद है, हम अंदर नहीं जा सकते, वरना हम आपको अंदर दिखाते हैं। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जो दो बने देखते हैं वहाँ पे कैसा रहेगा। अगर अंदर जाने दिया तो वहाँ के अंदर की वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर बाहर से ही बना लेंगे, हमारा क्या जाता है भाई। जो करेक्शन करी उस पर तो बहुत सुनेगा आज, ये इसी की प्रजाति का है, ये इनकी बरादरी से आता है। अच्छा ये बता ऐसे भी सोते कब है, तुझे तो पता ही होगा भाई साहब, ये सोते रात में ही है जैसे हम सोते। तो वो आसिफ तेरी बरादरी का देख किस पे बैठा हुआ देख भाई साहब, ये बरादरी बरादरी बंद करो, बंदर है मैं इंसान हूँ। वहाँ बेबी है देख, तेरे को दिखते रहे यार, मेरे को नहीं दिख रहे, तुझे दूर से की स्मेल ना मजाक है ना आसिफ? हाँ मजाक मजाक। Otherwise. एक बार नज़ारा देख लीजिए, नज़ारा कितना खूबसूरत है। और अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें वैरनाग भी जाना है, देर बहुत हो जाएगी फिर हम घर नहीं पहुँच पाएंगे, और थोड़ा सा मुझे ना एनर्जी लो हो रही है फील। हाँ क्यों ना, मैं घर फिर जाऊँगा
उठा लूंगा तेरे को, तू टेंशन मत ले। हाँ कोई बोल रहा था मैं गिरने वाला। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात, तू आराम से। तो थका हुआ बहुत ज़्यादा हूँ मैं, क्योंकि हम बहुत नीचे से आए, बहुत ज़्यादा नीचे से। और अभी हम जाने वाले हैं नीचे, नीचे जाके फिर जाएंगे हम वेरनाग। वेरनाग में बनाएंगे दूसरा पार्ट इसका, और ये फर्स्ट पार्ट था। तो अभी चलते हैं नीचे, थका हुआ बहुत ज़्यादा हूँ, ऊपर से रोज़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह हिम्मत दे, हम पूरा जो आज का प्लान है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। अल्लाह साथ देगा तो हो जाएगा इंशाल्लाह। चलते हैं नीचे, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो मिलते हैं नीचे आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है? अच्छा भाई आ रहे हैं, चलो। तो गाइस अभी हम नीचे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हम थे वो वाला टैप था। तो अभी हम नीचे आ गए, तो यहाँ पे बच्चा लोग हमें और मिले, ये पीछे पीछे आ रहे हैं। एक्चुअली ये ना DSLR से अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो अभी हम नीचे जाएंगे, अभी हम जाएंगे नीचे उस तरफ। चलो जी, बाय बाय। चलो अब जा रहे हैं हम घर, अब ठीक है? खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, बाय। चल ठीक है भाई, हाँ हाँ जी, इंशाल्लाह मिलेंगे कभी ना कभी। क्या करना है? फोटो ही क्लिक करना है। क्या फोटो खींचनी? हाँ आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। चलो जा, जाना सही जा, ले रे सही ले लेना, ठीक है? आ जा तू इस साइड, आ जा इस साइड, आ जा तेरी से। आशी तू भी आ जा, कोई बात नहीं, उठा लो उठा लो यार। आशी भाई तू भी आ जा, आ जा ना। क्या यार मतलब इसमें क्या है? अब मुझे जान रहे हैं, तुझे जान रहे हैं, दोनों को तो जान रहे हैं। आ जा चल। तो ये कैमरामैन जिसने सबकी फोटो ली है। हाँ चले जी, बाय बाय। हाँ नंबर है किसी के पास? इसके पास, मेरे पास, सबके पास नंबर लेना मेरा। चलो मैं इनको नंबर दे देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी फोटो ले रखी है मेरी, ये मुझे दे देंगे। जिसको भी जाहिद भाई का नंबर चाहिए इससे ले ले। नहीं नंबर देगा नहीं किसी को, याद रखना नंबर नहीं देना किसी को, नंबर नहीं देगा किसी को। चलो मैं तुझे नंबर देता हूँ, चलो इसको नंबर देते हैं, हम निकल जाते हैं फिर वापस। ओके या किसी और का है? तुम्हारा है? चलो आ जाओ, तुम्हारा भी है, आ जाओ आ जाओ। हैप्पी खुश हुए? चले हम अब। चलो जी खुदा हाफिज, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है? चलो बाबर भाई, बाय बाय। चलो जी बच्चा, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी में होगा तो मिलेंगे हम, ठीक है? बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, सलाम सलाम सलाम, बाय बाय, बाय 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 बाय। चलो आसिफ भाई चलते, बाय बाय, खुदा आप निकल किसी और चीज में लेट हो गया। तो चले जी इनको बाय बाय कर दी हमने, अब हम जाएंगे वहाँ जिस पार्ट में हम आए थे पहले। तो वहाँ पे हम इस पार्ट की एंडिंग करेंगे, और फिर हम वेरनाग में दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, है ना भाई? भाई तो जल्दी करिए। चलिए जी हम तो जा रहे भाई, हम तो रुके नहीं हैं। तो यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि इसका कोई यहाँ पे वो नहीं। आशी भाई आराम से। हाँ भाई साहब, बच्चों से बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो गाइस अभी हम यहाँ से एग्ज़िट लेंगे, और ये एग्ज़िट गेट है, यहाँ से हम जाएंगे वापस। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो YouTube को सब्सक्राइब करके रख देना, वो बेल आइकन को दबा के रखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप Facebook पे देख रहे हो तो Facebook पेज को फॉलो करना, और बेल आइकन को भी दबा के रखना वहाँ पे, क्योंकि पहले वीडियो मिलेगी आपको हमारी। क्योंकि हम तो जा रहे हैं ऐसी ऐसी जगह पे जो आपको हम दिखाएंगे, बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे जो कश्मीर में हैं, और कश्मीर के अच्छे अच्छे खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे हम आपको। तो चलिए जी करते हैं फर्स्ट पार्ट को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं वेरनाग में आपको दूसरे पार्ट में।